हे गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, सुबह के 11 बज रहे हैं और हमारा सबका नाश्ता वगैरह हो गया है। हस्बैंड हमारे प्लॉट पे गए हैं थोड़े किसी काम से, और बच्चे हमारे टीवी देख रहे हैं क्योंकि आज है संडे, तो आज ये लोग टीवी देख रहे हैं। ये देखिए, आपको दिखाते हैं। और खाना धोना पूजा पाठ वगैरह हो गया है। ये देखिए, ये तनु अपनी ड्राइंग कर रही है। देखिए क्या बना रही है तनु। ये देखिए, तनु ने आज ये ड्राइंग बनाई है। ये इस बुक से देख के, ये इस बुक में बनी हुई थी, तो काफी अच्छी बनाई है। जिस हिसाब से उसकी एज है और क्लास है, उस हिसाब से बहुत अच्छा बनाया है उसने। और गाइस, दीवांश हमारे नहा चुके हैं और नहा के कपड़े पहन रहे हैं। अभी शर्मा रहे हैं, अभी आपको थोड़ी देर में देवान से मिलवाएंगे। और गाइस, ये देखिए, आज दोपहर के खाने में हम बनाएंगे चने की दाल। रोज़ रोज़ समझ में नहीं आता कि क्या बनाएं, तो गाइस आज बनेगी दोपहर में चने की दाल और चावल रोटी। और गाइस, आज संडे है तो मशीन में कपड़े भी लगाने हैं, कपड़े भी काफ़ी रखे हुए हैं धुलने के लिए, तो फटाफट खाना बना लेते हैं। एक तरफ मैं दाल चढ़ाऊँगी ये, क्योंकि इस दाल को मैं पहले बॉईल करूंगी। बॉईल करके जैसे छोले बनाते हैं, वैसे ही कढ़ाई में छौंक के बनाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं। जब तक ये बॉईल होगी, तब तक हम अपने मशीन में कपड़े लगा देंगे, उधर कपड़े मशीन में धुलेंगे और इधर मेरा खाना बनेगा। और गाइस, आज हमें जाना है कहीं कहीं क्या, मेरे मायके जाना है मुझे, क्योंकि मेरी छोटी भाभी की तबीयत ख़राब है, तो उन्हें भी देखने जाना है। तो गाइस, आज जल्दी जल्दी फटाफट सारा काम निपटा के और मुझे मायके जाना पड़ेगा, क्योंकि आज संडे है तो काफ़ी लेट सब लोग उठे थे, इस वजह से थोड़ा लेट भी हो गया है। तो जल्दी जल्दी फटाफट काम निपटा लेते हैं। तो गाइस, देखिए मशीन में कपड़े लग गए हैं। देखिए और ये देखिए, हमारी दाल भी बॉईल हो गई है और अब हमने चढ़ा दी है कढ़ाई दाल को छौंकने के लिए। गाइस, देखा आपने कैसे पूरी दाल पलट के नीचे आ गई है। अभी आज मैं जलते जलते बची, अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो मेरे ऊपर आ जाती और जल जाते। तो देखिए, ये लगभग दाल हमारी बन गई है। ये देखिए, अब बस इसमें थोड़ी सी बॉईल आनी है बस। तो गाइस, फाइनली खाना बन गया है। ये देखिए, ये है मेरे हस्बैंड की थाली। देखिए, चने की दाल, चावल और रोटी, मूली, प्याज, अचार वो खाते नहीं क्योंकि उनको एसिड बनता है। पानी बंद हो गया? हाँ, बंद कर दो, निकाल दो पाइप। और ये देखिए गाइस, हमने ये सारे कपड़े धुल दिए हैं। इतने कपड़े एक बार धुल गए हैं, बाकी मशीन में पड़े हुए हैं। अभी मत खोलो बेटा, अभी मत खोलो, अभी इसकी खोल दिया, सूख जाने का हमको। तो कपड़े आज हमने यहीं फैलाए हैं क्योंकि हमको जाना है अपनी मम्मी के यहाँ, तो बारिश हो सकती है, इस वजह से हमने अंदर ही कपड़े सारे डाल दिए हैं। मशीन के कपड़े हैं, जल्दी सूख जाते हैं। तो काम वगैरह सारा हो गया है, खाना पीना हो गया, सबने खाना खा लिया है और थकान लग रही थोड़ी सी, तो थोड़ा देर लेटेंगे फिर अभी तैयार होंगे। देखिए, मुंह धुलने में सारा गीला हो गया कपड़ा मेरा। और ये देखिए, दीवान से बैठे हैं ये अपना मैजिक शो लेके। ये इनके छोटे मामा ने इनको इनके बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। गाइस,
देखिए देखिए ये दोनों हैं, इन दोनों को अगर हम मैच करेंगे तो ये बराबर होंगे। देखिए ये देखिए बराबर है, मिलाने से बराबर है ना, देखिए बराबर है ना, पीछे छोटा ना बड़ा, देखिए एकदम बराबर है, ये देखिए बराबर एकदम बराबर। और आप देखिए आपको कौन छोटा लग रहा है, पीछे वाला छोटा लग रहा है आपको, इनमें से कौन सा छोटा लग रहा है, ये पीछे वाला छोटा लग रहा है, आगे वाला बड़ा लग रहा है। अब देखिए इसको हमने आगे कर दिया, अब कौन सा छोटा लग रहा है, रेड वाला अब छोटा लगने लगा। तो इसका ये आगे वाला पोर्शन ये छोटा है ना, ये देखो ये गोल घुमा हुआ है ना, तो जब ये पीछे रहता है और ये बड़ा रहता है तो ये छोटा लगता है। ये है ये बराबर है, बराबर है, लेकिन ये पोर्शन इसका चौड़ा है, पीछे वाला पोर्शन ये चौड़ा है और ये वाला कम है, तो जब ये चौड़े वाले के साथ कम वाला रखा जाता है तो ये छोटा लगता है। अच्छा ये सिस्टम और दूसरा और ये बॉल्स वाला। तो गाइस मेरे पास तीन बॉलें हैं, ये देखिए तीन बॉलें हैं, एक को मैंने इधर रखा नीचे करो, एक को इधर रखा, एक को इधर रखा, तीनों हैं। अब देखिए एक एक करके तीनों तीनों ढक्कन इसमें ढकूंगा, एक दो, फिर इसको भी ढकूंगा, ये देखिए इसको भी ढक दिया। अब देखिए इसको उठा के यहाँ पे रखा, ये बॉल उठाई इसके ऊपर रखी और इसके ऊपर ऐसे किया, टुनकी मारी, दो दो आ गई इसमें। अब देखिए दूसरा वाला, अब देखिए अब वापस रखा, अब मैंने यहाँ पे रखा और ऐसे, अब देखिए गाइस इसको उठाया, इधर रखा, इधर रखा, उनकी मारी तीन तीन, देखिए देखिए गाइस तीन, उनकी मारी मैंने तीन। ये होता है क्रेड जादू, छेद जादू। अब देखना एक और है, एक और गाइस। तो मेरे पास ये कार्ड वाला है, पास करूंगा मैं और तो ये देखिए ये एक और फिर ये एक कार्ड है, सब इनमें नंबर सीखे हैं, और एक ये और एक ये और एक ये और एक ये, इतने कार्ड हैं। हमें इनको ये जो मन में नंबर लेंगे हम इनको बता देंगे क्या लिया इसने नंबर। तो अब 1 से 60 के बीच में नंबर लेंगे, लो ले लिया नंबर, मम्मी थोड़ा सा दूर कर दे, ये भी आ जाए या इसमें। देखिए गाइस अरे भाई इस कार्ड में वो नंबर है, इस कार्ड में वो नंबर है, तो हमें इसको इधर रखेंगे इस कार्ड में। अब इसमें देखो इस कार्ड में वो नंबर था, तो हम इसको अपने पास ही रखेंगे, इसमें नहीं है तो हम इसको दूर रखेंगे, इसमें नहीं है तो गाइस इसमें भी वो नंबर नहीं है, तो इधर रखेंगे और जो होगा उसको इधर रखेंगे अपने पास, अलग रखते हैं, चलो अपने पास यहाँ पे रखेंगे है। तो गाइस इसमें है नंबर, तो इसको भी, हमारे पास दो कार्ड हैं, इनमें वो नंबर है और इनमें वो नंबर नहीं, इतने सारे कार्ड इसमें भी। तो इन्होंने हम इनका नंबर लेने बता देंगे, इन्होंने लिया था, इन्होंने मम्मी मुझे बताएं, तो तुमने कौन सा नंबर लिया था, वो नंबर है 34। तो गाइस छोटा जादूगर फेल हो गया है। 38 किया था मैंने। तो
तो गाइस निकल लिए हैं हम तैयार होके अपने मायके जाने के लिए। और ये देखिए रोड पे हम चल रहे हैं, देवांश आगे आगे हैं, तनु पीछे हैं। वो देखिए देवांश आगे निकल गए हैं और पहुंच के फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस देखिए हम लोग तैयार होके निकल लिए हैं और हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं, हम लोग भी आ रहे हैं। तो गाइस देखिए घर आ गए हैं हम और ये देखिए बच्चे सब खेलने लगे। तनु ये देखो, और देखो सिद्धि, हेलो, कौन क्या लेने हेलो चिप्स लेने जा रहे हो, जाओ चले के आओ। और ये मम्मी की झुमका पहना रही, अच्छा लग रहा है। जानू बोलोगी हाय 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 हाय। गाइस गाइस बेस्ट है लॉलीपॉप। एक शायरी मेरी, जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, एल्विस भाई वो सिस्टम है जिसको राव साहब का बाप कहते हैं। ये देखिए गाइस बेचारी जानवी डांट खा के आई है अपनी मम्मी से नीचे से और रो रही है, इसने अपने सारे कपड़े भिगा लिए इसलिए इसकी मम्मी ने इसको डांटा है बहुत। ये हमारे मोहल्ले का व्यू है, देखिए ये पड़ोस का है, देखिए पड़ोस के घर है आदूर। इनसे मिलिए, ये हमारे घर के प्रधान हैं। ये तो अभी देखिए गाइस, अभी देखिए बोलेंगे। देखिए गाइस और ये खूंखार, और ये देखिए चल रही है मौज मस्ती बच्चों की, सारे बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, टीवी चल रही है, टीवी पे जो गाना आ रहा है उस पे डांस कर रहे हैं और काफ़ी मज़ा कर रहे हैं। यहाँ जब भी आते हैं हमारे बच्चे तो बहुत सारे बच्चे हमारे घर पे भी हैं, मायके में मेरी भाभी के हैं, तो सारे बच्चे जब इकट्ठे होते हैं तो सबको बहुत मज़ा आता है और खूब मज़ा करते हैं। इसलिए हमारे बच्चे अधिकतर मुझे परेशान किया करते हैं ये कह के कि मम्मी नानी के यहाँ चलिए चलिए। तो ये है मेरी छोटी भाभी और देखिए काफ़ी वीक लग रही है, देखिए हाथ में वीगो भी लगा है, इंजेक्शन लगे हैं और अभी और भी लगने हैं। तो अभी आ गए हैं घर और रास्ते में हमने खरीदी थोड़ी सी सब्जी, ये देखिए लेनी थी हमको सब्जी तो रास्ते में मार्केट पड़ी तो हमने सोचा थोड़ी सब्जी ले लेते हैं और सब्जी लेके अब आए हैं घर और अब बनाना है शाम को, शाम के लिए खाना। तनु नीचे आओ, क्या कर रही हो? और देवांश हमारे वही रुक गए हैं क्योंकि है नागपंचमी कल, कल है गुड़िया तो हम लोग आज गुड़िया बनाएंगे को रोक लिया सबने। और तनु का है कल स्कूल। बेटा टीवी रीम ही करो बेटा, तो कल है तनु का स्कूल है, कल तनु की छुट्टी नहीं है तो कल स्कूल जाएगी तनु, उसके बाद जाएगी। तो बस आज के ब्लॉग को मैं यही पेंट करती हूँ, अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अगले ब्लॉग तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय।